गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और ये देखिए यहाँ पे मनु, ये जो है ना, मैंने आपको जैसे पिछले व्लॉग में बताया था ना कि कृष्णा ली जो है वो एडमिट थी, तो वहाँ से दो सीरिंज बची हुई थी वो लेके आई थी मैं घर पे, और ये दोनों जो है उसे यहाँ पे खेलने में लगी हुई है। ये देखिए कौन कौन इस तरीके से खेलता था। तो मैं बहुत खेलती थी, जैसे कि मेरे एक फ्रेंड की मम्मा ही थी ना, सिस्टर थी, लेकिन वो गांव में जो अस्पताल होता है ना, तो आरोग्य केंद्र, तो उसमें उसकी मम्मा जो है वो सिस्टर थी, तो उसके उनके यहाँ से हम लोग जो है वो ये लेके आते थे ऐसे खेलने के लिए, तो बड़ा मज़ा आता था खेलने के लिए। तो आज है थर्सडे, आज थर्सडे है ना मनो, आज गुरुवार है ना, मैं भूल जाती हूँ। तो आज जो है वो, और अभी बज रहे हैं सवेरे के 7 बज रहे हैं, और मैं जो है वो स्नान करके रेडी हो चुकी हूँ। अभी जो है वो मेरा काम वाम सब बाकी है, बर्तन वगैरह भी करना बाकी है मेरा। ये देखिए यहाँ पर मैंने बर्तन रखे हुए हैं, और अभी सब कुछ मैंने अभी काम नहीं स्टार्ट किया। मैंने सोचा चलो अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, फिर काम चलते रहते हैं, और फिर आज नाश्ते में भी कुछ बनाऊंगी मैं, क्योंकि बच्चों को जो है वो सवेरे उठने के बाद ही मैं लगे तुरंत खाना चाहिए होता है, क्योंकि पता नहीं क्यों उनको उठने के बाद ही तुरंत भूख लग जाती है, तो इस वजह से तो आज मैं उनके लिए मैगी बनाने वाली हूँ, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, साथ ही मैं अपने सब काम भी अपने निपटा लूँगी। तो चलिए सवेरे के काम में स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले किचन को झाड़ू लगाऊँगी, फिर उसके बाद मैं भगवान जी का दिया जलाऊँगी, फिर रखूँगी अपने लिए चाय, और फिर बच्चों को जो है वो नाश्ता वगैरह बनाऊंगी, वो मैं आपके साथ में सब शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Thank you.
तो जैसा कि अभी आपने देखा, मैंने मैगी जो है वो पकने के लिए रख दी थी, तो मैं बिल्कुल धीमी आंच पर जो है वो मैगी को पकने देती हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैगी बनाती हूँ मैं, सिर्फ पानी उबाल कर जो है उसमें मैगी डाल देती हूँ, फिर वो पकने को आ जाती है, तो फिर उसमें मसाला डाल के एक मिनट तक उसे फिर से पकाती हूँ और फिर गैस बंद कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा जब तक मैं अपना हॉल वगैरह जो है वो मेरा झाड़ू लगाना बाकी था, तो वही मैं काम यहाँ पर कर रही हूँ। जब तक मेरी मैगी बन जाती है तब तक बीच में जो है वो मनु के पापा भी आ गए थे, जैसे वो स्नान के लिए जा रहे थे, तो हवा चल रही थी, तो इस वजह से मैं दरवाज़ा भी बंद कर रही थी। तो ये देखिए मेरी तब तक मैगी भी पककर रेडी हो चुकी है, और मैं इसके बाद में जो है वो मैं गोभी को जो है उबालने के लिए रख दिया है। मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं आज, तो इस वजह से। और यहाँ पर देखिए इनका एक फ्रेंड आया था खेलने के लिए, तो वो उसके साथ में खेल रहे थे दोनों। अब मैं जो है वो अपनी लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप, मैं इतना बड़ा बाउल जो है वो मैंने बड़े कटोरे में जो है वो आटा गूंद रही हूँ, क्योंकि मुझे सबके लिए रोटियाँ बनानी होती है तो ज़्यादा ही आटा चाहिए होता है, तो इस वजह से मैं जो है वो ये बड़ा वाला कटोरा ही ले लेती हूँ, ताकि इसमें जो है वो मैं आसानी से अपना आटा गूंद सकती हूँ, गिरने का डर नहीं रहता इधर उधर, तो इस वजह से। तो इसके बाद में मैं यहाँ पे देखिए मैंने अपने लिए भी मैगी ले ली। मैंने सोचा चलो जब तक मेरा आटा अच्छे से सेट हो जाता है तब तक मैं अपना नाश्ता भी ख़त्म कर लूँ, तो वही बस मैं यहाँ पर खा रही हूँ। तो ज़्यादा मैगी नहीं खाती हूँ मैं कभी, लेकिन आज जो है वो मेरा मन कर लिया, तो इस वजह से मैंने भी अपने लिए मैगी बना ली थी। और मनु के पापा जो है वो खाकर बाहर चले गए थे, क्योंकि उनको जो है वो बाहर मतलब ही पास ही में गए थे, उनका एक फ्रेंड ने बुलाया था तो उसके घर पे गए थे वो। बस मैं अपना नाश्ता ख़त्म कर लूँ। देखिए मेरा आटा सेट हो गया अच्छे से। तो अभी जैसा कि आपने देखा, मैंने बनाया था, जैसे मैंने सवेरे नाश्ते में मैगी बनाई थी, और उसके बाद में खाने में मैंने बनाया गोभी टमाटर की सब्ज़ी, दाल चावल और रोटियां, यही सब बनाया था। तो दाल चावल जो है वो मैंने 2-3 दिन से नहीं लगाया था, लेकिन फिर उसके मनु के पापा बोले कि आज जो दाल चावल लगा लो, तो मैंने लगा लिया। तो जैसे रोज़ रोज़ खाने से जो है वो अच्छा नहीं लगता ना, तो मैं 2-3 दिन में एक बार लगा लेती हूँ, दाल चावल को कर चढ़ा देती हूँ। और जैसे कि अभी जो है वो मेरा टाइम हो चुका है ब्लॉग ख़त्म करने का, तो आप लोगों को कैसा लगा? तो ये जो है वो मेरा अभी मेरा रूटीन जो है वो फिर से शुरू हो रहा है, जैसा कि पिछला एक डेढ़ हफ्ते से जो है वो मैं मेरे बच्चे की और तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से मेरा रूटीन बिल्कुल भी नहीं चालू था, लेकिन अब जो है वो मेरा रूटीन भी रेगुलर आएगा। और आप देख रहे होंगे ये जो बड़ी वाली रॉड वाली जो चद्दर जो है वो मैंने खिड़कियों पर डाली हुई है, तो जैसे कि मेरी खिड़कियाँ जो है ना वो बहुत बहुत बड़ी है, और हम लोग जो है वो विदर्भ में रहते हैं, तो हमारे यहाँ पे धूप जो है ना वो बहुत ज़्यादा फैली हुई होती है, बहुत ज़्यादा तेज वाली धूप होती है, तो इस वजह से भले ही मैं कर्टन लगा लूँ, लेकिन फिर भी मुझे चद्दर जो है वो बिछानी ही पड़ेगी, नहीं तो पूरी की पूरी धूप जो है वो एक ग्लास से इसको लगाए हुए खिड़कियों को, तो इसके अंदर से जो है वो फिर से अंदर आ ही जाती है धूप, तो मुझे कर्टन लगाने के बाद भी मुझे ये जो है वो चद्दर बिछानी ही पड़ेगी। अच्छी तरीके से छाव आ जाती है, ठंडा ठंडा लगता है, तो इस वजह से जो है वो मैं ये पर्दे, ये चद्दर जो है वो खिड़कियों पे डाल देती हूँ। तो चलिए अभी जो है वो मेरा वक्त हो चुका है ये ब्लॉग ख़त्म करने का। तो अगर क्या आप लोगों को पसंद आया होगा, मैंने अच्छे से बनाया है, मेरा सारा रूटीन जो है वो मैंने आपको दिखाया है। और अभी जो है वो मेरे कपड़े धोने बाकी हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया था मेरे बर्तन हो चुके हैं, कि बर्तन मेरे करने बाकी थे, तो बर्तन तो मेरे हो चुके हैं, लेकिन अभी जो है वो मेरे कपड़े धोना बाकी हैं। तो आजकल जो है वो धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो कपड़े सूखने का कोई इतना ये नहीं रहता, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो रहती हूँ कपड़े धोने में, तो आराम से कपड़े वगैरह कर लेती हूँ मैं दोपहर में, जैसे कि खाना वाना होने के बाद में फिर।
तो चलिए आज का ब्लॉग एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में नया कुछ लेके, तब तक के लिए बाय। और ये देखिए मेरे बेटियों का बाय। मुझे बड़ा पसंद आया था, मतलब मेरी एक फ्रेंड की लड़की के पास में मैंने देखा था, तो मैंने दोनों को भी ये लेके आ गई थी। तो ये जो है वो मनु का है, इसकी टोपी जो है उसने निकाल कर फेंक दी है, और इससे छोटा वाला जो था वो मैंने कृष्णाली के लिए लाया था, लेकिन कृष्णाली ने जो है वो उसका घुमा दिया, मतलब उसने ख़राब कर दिया। और ये जो मनु का है वही बाकी है। तो चलिए अभी बाय 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 फ्रेंड्स, बाय।